फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं वेरियस पोस्टिस के लिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप इन पोस्टिस के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके नीचे काफ़ी सारी वैकेंसीज दी हुई हैं। इन पोस्टर्स पर यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आपकी जो वैकेंसीज ये यहाँ पे आई हुई हैं। आप जिन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है, और पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास सामने एक यहाँ पे न्यू वेबसाइट डिस्प्ले होती है, एक नया फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर जो इस वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। अगर जो वेबसाइट पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट और इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने एक न्यू फॉर्म खुल के आता है, इसमें आपको पूरा अपना पर्सनल डिटेल, एड्रेस, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आप इसमें आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम फिल करना है, फादर नेम यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना है, देन फिर आपको अपना यहाँ पे मदर नेम फिल करना है। मदर नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना DOB सेलेक्ट करना है, आपका डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी आपको आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ, मतलब कि आपका पास आधार कार्ड है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ आप चूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना है, यहाँ पे अपना आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको देन अपना पिन कोड टाइप करना है एरिया का, यहाँ पे आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जो आपकी अब चल रही है रनिंग में आपको ईमेल आईडी, वो आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी टाइप करनी है, जिससे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हो आपको ईमेल आईडी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म करना है फिर आपका मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस, यदि जो आपके जो दोनों एड्रेस हैं वो सेम है तो आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है सेम है परमानेंट एड्रेस, यदि आपके एड्रेस अलग हैं तो आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है और अपने एड्रेस फिर से टाइप करना है दूसरा एड्रेस। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एड्रेस अपना पासवर्ड देना है, पासवर्ड आप देख सकते हैं 8 से 13 करेक्टर का आपको पासवर्ड रखना है, अपर केस होना चाहिए उसमें, लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें हमने पासवर्ड टाइप कर दिया है, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म किया है, पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लिया है, उसके बाद हमने कैप्चा टाइप करके देन सबमिट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये जो आपने अपना फॉर्म फिल किया था उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ये डेटा वेरीफाई करना है जो आपने पीछे फॉर्म में फिल किया था। अगर जो आपको इनमें से कोई एडिट करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके आपने जो पीछे डिटेल भरा था आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर जो आपको लगता है आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक भरी है तो आप इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री पे करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP के आप क्लिक कर सकते हैं। यस, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, वो आपको टाइप करना है। OTP टाइप करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करके आपको बैक जाना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कराने के लिए फ्रेंड्स ये जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है ग्रीन कलर का, ये आपको फिल कर देना है, देन फिर आपको सबमिट करना है। अगर जो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज ईमेल आईडी से कर सकते हैं। आपको ये सिक्योरिटी पिन सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी आपकी ईमेल आईडी पे OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। गो टू होम पे जाना है,
होम पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप अपना डिटेल पूरा फिल कर सकते हैं। आपको से सिक्योरिटी पिन टाइप करना है, ये को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपके पास आधार नंबर है या नहीं, कि आपके पास आधार नंबर है? यस यस है तो आपके पास यस करना है, नहीं है तो आपके पास नहीं करना है। फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स ये आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होके आती है, एक न्यू फॉर्म खुलता है, उसमें आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई है, मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कर देना है आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको आई कन्फर्म कर देना है। पुष्टि करता है करती हूँ मैं अपने ऊपर वर्णित सभी निर्देशों को पढ़ और साझा कर ली समझ लिया। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन टाइप करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई की डिटेल डालनी है, अप्लाई फॉर डिटेल, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपने एग्जाम सेंटर, यहाँ पे आपको पूरा ये डिटेल फिल करना है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं एग्जाम स्टेट फर्स्ट, सो आपको फोर्थ इसमें एग्जाम स्टेट भरना है अपना, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है। बट डू यू पोसेस ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, अगर जो आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। डू यू पोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, क्या आपके पास इन सब चीज़ों की नॉलेज है, क्या ये सब आप यूज़ करना जानते हैं, तो आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देख सकते हैं डू यू पोसेस द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, क्या आपके पास हिंदी शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग का आवश्यक ज्ञान है, तो आप इसमें यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है स्टेनोग्राफर का विद द स्पीड ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड हिंदी टाइपिंग राइटिंग विद इन मिनिमम स्पीड 80 and 30 पर मिनट, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड डू यू सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड्स ऑफ 2 ईयर, क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्षों की अवधि के लिए सेवा की है, आप यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसमें। डू यू पोसेस द ए बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट ग्रुप, क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का ए बी प्रमाण पत्र है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये ग्रीन कलर का सिक्योरिटी पिन टाइप करना है, सिक्योरिटी पिन टाइप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। फर्स्टली आप तो 10th क्लास की, फिर 12th क्लास की, फिर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना है। 10th पास के लिए आपने अपना ईयर, आपने किस ईयर में पास किया है, उसके बाद आपका इसमें आप पास हैं या नहीं है, उसके बाद आपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और आपकी परसेंटेज, ये सब आपको फिल करना है। यूनिवर्सिटी फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको कलर का सिक्योरिटी पिन टाइप करना है। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड आपको क्या क्या करना है, पहले फ्रेंड इसमें आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो का साइज़ आपको नीचे दिया हुआ है वो साइज़ ध्यान में रखते हुए आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपना अपलोड करना है, उसके बाद देन आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स आपको साइज़ का ध्यान रखना है, इसमें सभी के साइज़ गिवन है कि आपको इस साइज़ को आपको अपलोड करना है, अगर जो आप गलत अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आपको साइज़ का इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ठीक साइज़ का इसमें फ़ोटो सिग्नेचर और अपना थंब इम्प्रेशन ठीक साइज़ का अपलोड करें। देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद हमारे ये सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट, तीनों डॉक्यूमेंट हमने अच्छे से अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन टाइप करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं हमारा फॉर्म यहाँ पर पूरा फिल हो गया है और ये सारे डिटेल हमने फिल कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस फॉर्म में अपनी डिटेल वेरीफाई करना है। डिटेल वेरीफाई करने के लिए आपको सब कॉलम को सिलेक्ट करना है। सब कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देना है।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है। एग्जामिनेशन फ़ी आपको ऑनलाइन मोड में इसमें पे करना है, जितनी जिसके थ्रू आप चाहें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिसके थ्रू चाहे आप अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।